प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पटी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में तकनीकी नवोन्मेष को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान सीईओ प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश को एक अच्छी मिसाल बताया है। हैदराबाद में अपनी तरह का पहला इंडिया इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रसार भारती के सीईओ शशिशेखर वेम्पटी, उनसे जानते हैं इसके बारे में। सर, कितना अहम कदम ये आज का रहा, क्या कुछ खास था? देखिए, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो कई डेकेड से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कर रही है और एक ज़माने में ये देश में अकेले रेडियो या टीवी सर्विस थे, पर आज के एनवायरनमेंट में जहाँ इतने सारे चैनल्स हैं, इतना सारा कंपटीशन है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जिस तरह से बदल रही हैं कंज्यूमर हैबिट्स को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है डीडी को और एआर को कि वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाए और नए तरीके से व्यूअर्स के साथ, लिसनर्स के साथ कनेक्ट करें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव है। ऑल्सो हमारा जो वर्कफोर्स है वो अगले 5-10 साल में काफ़ी लोग रिटायर होने वाले हैं, तो हमें नए लोगों को लाना है, नए स्किल्स डेवलप करने हैं, का नॉलेज को कैप्चर करना है, तो इसमें भी टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीइंग अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर, किस तरह के चैलेंजेस आप इसके सामने देखते हैं? देखिए, ये हर दिन का चैलेंज है पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर के बहुत सारे ऑब्लिगेशन हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेट की तरह उन्हें सेल्फ सस्टेनिंग भी होना है, एफिशिएंट भी होना है, तो ये हर दिन का चैलेंज है। एंड डीडी फ्री डिश एक अच्छा मिसाल है कि किस तरह से हम अपने पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करें और वायबल भी रहें। तो इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसके जो लेसन्स हैं, हम अन्य हमारे जो एरियाज ऑफ ऑपरेशंस हैं वहाँ भी लेके रहे हैं। सर, प्रसार भारती की तरफ से अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बेहतर एग्जाम्पल डीडी न्यूज़ है जो अब हाई डेफिनेशन पर भी उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ऐप भी काफ़ी पॉपुलर है। इसी तरह से हम IT सिस्टम्स लानेंगे हर जगह, हमारे प्रोक्योरमेंट हो, हमारे इंटरनल ऑपरेशंस हो, HR ऑपरेशंस हो, तो ये एक बार टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म बेस्ड हो जाए तो इसमें काफ़ी सारा एफिशिएंसी आ जाएगा और व्यूअर्स को कनेक्ट करने के लिए जितना ज़्यादा हम स्टूडियोज़ को मॉडर्नाइज करेंगे। अभी रिसेंटली हमारा टेक्नोलॉजी फंडिंग अप्रूव हुआ है, इससे आप विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन ऑल आर नेशनल चैनल्स। आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि डीडी अपने आप पर गर्व करे और सभी लोग जो हैं वो अपने कामों से अपने आप पर गर्व करें, तो इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं कि गर्व करने लायक? देखिए, ये बड़े चीज़ों से नहीं होगा, छोटे चीज़ों से होगा कि हम हर जो छोटा काम करते हैं उसमें वी शुड टेक प्राइड, वी शुड ब्रिंग अ कल्चर ऑफ एक्सेलेंस एंड क्वालिटी एंड चैलेंज आवरसेल्व्स। जब ये सारे छोटे छोटे चीज़ें सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा उनका। लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा था कि रीसेंट हिस्ट्री में 3 स्टेप्स उठाए गए हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड मेक इन इंडिया, तो ये किस तरह से इंक्लूड किया जाए? देखिए, इन तीनों का इंटरसेक्शन पे काफ़ी सारे स्टार्टअप कंपनीज आई हैं जो डिजिटली इनोवेट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को इंडिया में बना रहे हैं जो बाकी देशों में यूज़ होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा कि इंडिया में जो भी ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही जल्दी बन सकता है, इसमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये लोकली अवेलेबल होगा, एट द सेम टाइम ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का। तो सीईओ प्रसार भारती, जिन्होंने कहा कि तकनीक की दृष्टि से या फिर कंटेंट की दृष्टि से, इसके अलावा जो व्यूअर है उसके इंटरेस्ट की दृष्टि से डीडी ने बहुत से कदम उठाए हैं और इसके अलावा इस तरह के जो कॉन्क्लेव हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिससे कि नई तकनीक की दिशा में और नए अन्वेषण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, हैदराबाद।